सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाए मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। आई एम वन ऑफ द अनलकीस्ट पर्सन इन दिस इंडिया जिनको पहले कोरोना वायरस डिटेक्ट हुआ था। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, 14 दिन का आइसोलेशन था, ट्रीटमेंट था एंड आई एम बैक एट होम बिल्कुल ठीक। हेलो एवरीबॉडी, आई एम वन ऑफ द अनलकीस्ट पर्सन इन दिस इंडिया जिनको पहले कोरोना वायरस डिटेक्ट हुआ था। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, 14 दिन का आइसोलेशन था, ट्रीटमेंट था एंड आई एम बैक एट होम बिल्कुल ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको कोई टोटका बताऊँगा या इलाज बताऊँगा कैसे इसको ठीक करना है। सिर्फ इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि प्लीज़ 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 डोंट पैनिक। अगर आपको कोई सिम्टम है डॉक्टर के पास जाएँ या फिर जहाँ भी आपके शहर में कोरोना वायरस के टेस्ट हो रहे हैं वहाँ पे जाएं, और अगर पॉजिटिव आता है, भगवान न करे ना आए, अगर पॉजिटिव आता है तो डॉक्टर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करें, जैसे वो कहते हैं वैसे करें। जिन्होंने ठीक करना है उनसे भाग के आप कहाँ जाएंगे? आज इलाज फ्री में हो रहा है, हो सकता है ज़्यादा फैल जाए तो कुछ टाइम बाद आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके अपने पैसों से इलाज कराना पड़े। सो प्लीज़ गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करें, डॉक्टर्स को सपोर्ट करें, जैसा वो कहते हैं वैसा करें, अपने हाइजीन का ध्यान रखें, अच्छे से हाथ धोएं, कफ या स्नीज हाथ रख के करें, कम से कम लोगों से मिलें, सोशल गैदरिंग में कम से कम जाएं। थोड़े से टाइम की बात है, वैक्सीन आ जाएगा इसका तो एवरीथिंग विल बी फाइन। अभी लोग बस इसलिए डरे हुए हैं कि एक नई चीज़ है और वैक्सीन नहीं है, मगर इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है, ये एक छोटा सा वायरस है। आपके सामने हूँ मैं, बिल्कुल ठीक खड़ा हूँ। सिर्फ उन लोगों को प्रॉब्लम है जिनकी बॉडी में पहले से कोई प्रॉब्लम है, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, किसी को लंग्स की प्रॉब्लम है, सिर्फ ये वायरस उन लोगों के लिए ख़तरनाक है। बाकी नॉर्मल इंसान के लिए कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं है। सिर्फ 14 दिन के आइसोलेशन में इसलिए रखते हैं ताकि आप किसी और कोई बीमारी ना दे पाएँ। तो प्लीज़ गाइज, सपोर्ट गवर्नमेंट, सपोर्ट दिस सिस्टम। हमें बाकी कंट्री उससे सीखना है, दूसरा यूरोप नहीं बनना है। जब डेवलप्ड कंट्रीज़ अपने देश को नहीं बचा पाएं तो अगर इंडिया में फैल गया तो हम लोग कैसे बचा पाएंगे? सो प्लीज़ गाइज, सपोर्ट डॉक्टर, सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पैनिक नहीं क्रिएट करें। कोई भी दिक्कत होती है तो उसके लिए आप अपने डॉक्टर्स पे जाएं और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें और अपना टेस्ट कराएं।